फर्स्ट टाइम मैं इधर आ रहा हूँ, सो बहुत ज़्यादा 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 प्लेस है दिखाने देने के दिखाने के लिए। सो मैं इतना हिंदी नहीं आता है, सो नल्ला सीनरी नल्ला प्लेस बहुत अच्छा है। तो जैसे ही आप अंदर एंटर होंगे, आपको लेफ्ट साइड मुड़ना है, वे टू टेंपल ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सो हम जाते हैं इधर लेफ्ट साइड में एंड लेट्स सी हाउ इट इज। अच्छा लग रहा है टेंपल तो, बहुत बढ़िया, प्योर स्टोन से बना हुआ है, पत्थरों से। ओके, ये रहा यहाँ पे कुछ ऐसा। काफी अच्छा मंदिर है, साफ सुथरा। श्री योगांडेश्वर स्वामी। तो आई होप आपने टेम्पल को एंजॉय किया होगा अंदर से, काफ़ी खूबसूरत है, हिस्टोरिकल प्लेस। तो ये पूरा का पूरा मंदिर ऐसा ही पत्थरों से बना हुआ है, इवन नीचे भी पत्थर हैं, ऊपर भी पत्थर हैं। बहुत अच्छा टेम्पल लगा मुझको तो ये। तो अब हम यहाँ से एग्जिट होंगे, बट हमारी जूते चप्पल तो पीछे हैं, बट नो प्रॉब्लम, साफ सुथरा है। हम यहीं से एग्जिट होते हैं। श्रीरुद्रम चमकम पुरुष सूक्तम तदाता फाउंडेशन। ओके गाइस, सो हम वापस जा रहे हैं जहाँ पे अपने जूते चप्पल निकाले थे। तो इसी के जस्ट अपोजिट है ये बाहर निकलने का है, और इसी के हम बस साइड से ऐसे जाएंगे वहाँ पे, एंड देन अपने जूते वगैरह पहन के फिर इधर ही आते हैं। और इधर ये छोटा सा एरिया है, हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, देन उसके बाद वी हैव फ्यू मोर एरियाज हेयर। यू वांट मी टू टॉक समथिंग? हाँ, यस 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 आई विल। Here we have wind, right? So our voice will not be recorded properly. Yes. तो वहाँ सामने हमने जूते चप्पल निकाले थे अपने, अभी हम उनको बस पहन के निकल वापस आएंगे। तो ये रहा मेन गेट यहाँ पे, यहीं से। तो दोस्तों चलो मैं आपको जो है अपने दोस्त से रूबरू कराता हूँ, तो ये कुछ इस जगह के बारे में बताएगा, हिंदी तमिल इंग्लिश वॉट एवर ही फील। ओके, सो ओके, हियर वी गो। हाय दोस्तों, कैसे लगा ये वीडियो? मुझे ये फर्स्ट टाइम मैं इधर आ रहा हूँ, सो बहुत ज़्यादा 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 प्लेस। अरे कहना क्या चाहते हो? प्लेस है देने के दिखाने के लिए। सो मैं इतना हिंदी नहीं आता है, सो
आई विल स्पीक इन तमिल इन माई लैंग्वेज. सो ये बहुत இந்த இடம் ரொம்ப நல்ல இடம் ஆக்சுவலாக. இது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் வர்றது. நந்தி ஹில்ஸ் நல்ல சீனரி, நல்ல பிளேஸ், கிளைமேட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஸோ நான் இது மாதிரி எதிர்பார்க்கவே இல்லை இந்த கிளைமேட்டை. இங்கே பார்த்திங்கன்னா நல்ல பச்சை பசேல்னு நிறைய இடங்கள். அண்ட் கிளைமேட் அண்ட் ஸ்னோ, யூ கேன் சீ ஸ்னோஃபால், யூ கேன் சி பேராகிளைடிங். பட் அச்சா ஹே, கண்டிப்பாக எல்லோரும் வரலாம் இந்த இடத்துக்கு. ஸோ ஃபேமிலியோடு வந்தீங்கன்னா யூ கேன் சி அ லாட் ஆஃப் பிளேசஸ் ஹியர். நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் இங்கே. ஸோ மார்னிங் இஸ் த பெஸ்ட் டைம். ஸோ 6 o'clock யூ கேன் சி த சன்ரைஸ் ஹியர். ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் இதை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம் வித் மை ஃப்ரெண்ட் தீபக். கண்டிப்பாக எல்லோரும் வரலாம். யூ ஹாவ் என்ஜாய் டைம். தேங்க்யூ, பாய். सो आई नो कि आपको बहुत सबको समझ नहीं आया होगा तमिल में क्या बोला, बट स्टिल आई कांट एक्सप्लेन एक्चुअली. आई आल्सो डोंट नो फ्यू थिंग्स आई केम टू नो के. बट एनीवे दिस इज ऑल अबाउट दिस प्लेस, हाउ ही फील एंड एवरीथिंग अबाउट दिस प्लेस. लाइक फर्स्ट टाइम ही केम हियर एंड ही एंजॉयिंग एंड प्लेस इज वेरी नाइस. सो सच काइंड ऑफ थिंग ही सेड मी ऑन द मोबाइल. ओके, नाउ अगेन वी केम टू द सेम प्लेस. आई विल शो यू. एक हमारे यहाँ कहावत है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक. तो वही हमारा काम हो रहा है. घूम फिर के हम फिर इसी पॉइंट पे आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही है. आई थिंक वो बहुत दूर चली गई तो नहीं दिखेगा. तो गाइज अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ का पोस्ट ऑफिस. एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से, सो बेसिकली वी आई ऑलरेडी केम हेयर. मैं पहले आ चुका हूँ यहाँ पे अराउंड 5 to 6 ईयर्स बैक विथ फैमिली. तो तब में और अब में कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है क्योंकि स्टिल ऑलरेडी डेवलप्ड है. यहाँ पे रुकने के लिए सभी स्थान है. तो ये रहा पोस्ट ऑफिस यहाँ का. Five 6 2 1 0 1 इज़ द पिन कोड. और आई स्टिल रिमेम्बर कि हमने यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाया था जब हम 5-6 साल पहले आए थे यहाँ पे बैठकर. और ये फ्लैग के लिए है, जब भी 26 जनवरी और 15 अगस्त जो भी कुछ होता है तब यहाँ पे झंडा फहराया जाता है हमारे देश का. एंड दिस इज़ पुलिस स्टेशन. यू कैन सी पुलिस स्टेशन इज बंद. काफ़ी पुराने ख्यालों का है जो कि मैंने देखा है. रात में एक दो पुलिस वाला आता है यहाँ पे और वो भी पोस्ट ऑफिस में स्टे करता है क्योंकि रात हम आए थे यहाँ पे देखा था. तो पुलिस वाले इस वाले पोस्ट ऑफिस में थे अंदर. तो ये इस लाइन में भी रूम है जो कि लेटेस्ट बने हुए हैं, कोई पुराने उससे नहीं है जैसे पत्थर वगैरह से. तो ये जो भजन, जो भी इनकी संध्या है, म्यूजिक बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पे. बहुत ही सुकून टाइप से दे रहा है म्यूजिक. सो ये भी एक प्लेस है यहाँ पे. और अगर आपको भीड़ भड़ाके से एलर्जी है या पसंद नहीं है आपको भीड़ भड़ाके में ऐसी जगह, तो आप ना वीकेंड को छोड़ के आ सकते हैं. सैटरडे संडे में मत आओ ऐसी जगह. सो गाइज दिस यू कैन सी बॉर्डर ऑफ भारत एंड पाकिस्तान. इस तरफ पाकिस्तान है और इस तरफ ये भारत है. भारत में हम अभी घूम रहे हैं तो ये बहुत ही सॉलिड बॉर्डर है. हालांकि यहाँ की जो आर्मी है अभी छुट्टी पर है तो अभी आर्मी की ज़रूरत नहीं है बिकॉज पाकिस्तान बहुत नीचे है और भारत बहुत ऊंचाई पर है तो पाकिस्तानी नहीं आएंगे. तो आपको बॉर्डर दिखाना चाहता था बस. और ये बॉर्डर ऐसे ही कीप गोइंग है बस. जहाँ तक आप जाओगे बॉर्डर वहीं तक मिलता रहेगा. ये देखिए कुछ लिखा हुआ है, फाइन विल बी इम्पोस्ट. कुछ है डू नॉट क्रॉस दिस ग्रिल. हाँ देखो इन्होंने लिखा हुआ है कि ग्रिल को क्रॉस मत करो नहीं तो फाइन लगेगा. फाइन कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तानी आपको उठा के ले जा सकते हैं. तो बस यही था. ये देखे भारतीय कुछ यहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं. तो बस अब हम यहाँ से निकलेंगे. एक दो प्लेस और है आई थिंक, उसको कवर करेंगे देन आपसे नेक्स्ट बातें करेंगे. एंड बाबू आई थिंक फाइन देने के लिए रेडी है. क्रॉस करोगे क्या भाई? नहीं नहीं
ठीक है, तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं वापसी। तो गाइस सामने एक छोटा सा और प्लेस है जहाँ पे लकड़ी की झोंपड़िया टाइप से बनाया हुआ है घर, जिसको बोलते हैं। ये देखिए स्टेयर्स पहाड़ को काट के बनाई हुई है, पत्थरों को काट काट कर। तो हम अभी वहीं पे जा रहे हैं, चलो आपको दिखाते हैं। ये कुछ ऐसे ही बना रखा है घर लकड़ियों से काट काट के। तो दोस्त हम यहाँ पहुँच गए हैं और ये काइंड ऑफ पार्क है, बच्चों का कुछ झूले वगैरह भी हैं। एंड ये आप देख सकते हैं ये जितने भी घर बने हुए हैं ये सब कनेक्टेड है टू ईच अदर। तो चलिए हम किसी एक पर चढ़ते हैं एंड अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। एक्चुअली हम बीच में पहुंच गए तो ये कुछ बांसों से बना हुआ है, बांसों का घर आप बोल सकते हैं। हाँ ये देखिए, अब हम सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे। और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है जैसे कि आप सामने देख ही रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, जब हम यहाँ पे आए थे आज से 5-6 साल पहले, वन ऑफ माई फ्रेंड फॉल डाउन। आई होप वो मेरा दोस्त इस वीडियो को देख रहा होगा एंड माइट बी लाफिंग एंड एंग्री और दिस इज़ वेरी डेंजरस। बिफोर आई थिंक वी शुड नॉट गो। तो बस अब हम थोड़ा सा और देखते हैं कुछ एरिया यहाँ पे, फिर उसके बाद निकलते हैं। दोस्तों ये वही रोड है जहाँ से हम शाम के टाइम आए थे बाइक से, ये डायरेक्ट होटल पे जाता है। That's it, we'll go back to the room। दोस्तों जैसे कि आपने देखा हम रूम पे आ गए हैं एंड हमें कोई इतना अच्छा प्लेस तो नहीं मिला। अभी हम आए तो सब कुछ ऑलमोस्ट कवर कर लिया है मैंने इस व्लॉग में। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, 11:15 हो चुके हैं, तो चेकआउट का टाइम भी हो गया। तो आई होप आपने ये व्लॉग इन्जॉय किया होगा। एंड अगर आपके पास कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे जो है कमेंट्स कर सकते हैं इस वीडियो में, मैं आपको प्रॉपर से आप आंसर करूँगा आपके क्वेश्चन का, सो दैट आप अगर यहाँ पे आएँ तो कोई डिफ़िकल्टी आपको ना हो। तो गाइज़ इस व्लॉग को बस हम यहीं पे ऐड करते हैं। एंड वाइल गोइंग टू बेंगलोर एक रास्ते में फोर्ट है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैं इतना जानता हूँ टीपू सुल्तान, आपने नाम तो सुना ही होगा, उसका कुछ रिलेटेड है वहाँ पे बर्थ प्लेस जो भी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे भी विजिट कर लूँ एक बार, क्योंकि ऑन द वे है। तो उसका एक सेपरेट ब्लॉग मैं बनाऊँगा जो कि इस ब्लॉग के बाद आएगा नेक्स्ट। अभी के लिए बस हम यहाँ से निकल रहे हैं तो ऑलमोस्ट रेडी हैं चलने के लिए। तो हमारा फ्रेंड बाबू भी तैयार है। बाय फ्रेंड्स, या बाय बाय। तो ये हमारा बैग रहा, रेडी है। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।